नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में से वायरस डिलीट कैसे कर सकते हैं, वायरस कैसे हटा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहें और बीच में ना छोड़ें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप अपने फ़ोन में कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे गेम इंस्टॉल करते रहते होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने फ़ोन में कम से कम एप्लीकेशन और कम से कम जितनी कम हो सके उतनी कम एप्लीकेशन और गेम इंस्टॉल करें, जिसके वजह से आपका फ़ोन हैंग हो सकता है और आपको लगता है उसमें वायरस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको कम से कम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और ध्यान है आपको जो भी एप्लीकेशन काम की नहीं है उसे हटा दीजिए। अगर आप उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन बिना प्ले स्टोर के डाउनलोड ना करें, बिना प्ले स्टोर के उसे यूज़ ना करें, क्योंकि कई लोग होते हैं उसका APK जो मोड होता है उसे डाउनलोड करने लगते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें वरना आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है और आप उसे डिलीट नहीं करवाएंगे। और तीसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं, लोग अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से फाइल्स लेने लगते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई गाना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप कभी भी अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से फाइल ना लें वरना तब भी वायरस आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि आप वायरस कैसे डिलीट कर सकते हैं। वायरस डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपकी मेमोरी कार्ड और यहाँ पे आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर लग रही है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेमोरी कार्ड है और इंटरनल स्टोरेज वो भी आपके आ जाएगा। तो मैं फ़ोन स्टोरेज में जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो भी फोल्डर आपको अजीब लग रहे हैं, जो आपने नहीं बनाए हैं या जिसका नाम जो है बिल्कुल अजीब है, उस फोल्डर को उठा कर डिलीट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो वायरस होता है वो अपने नाम के फोल्डर अलग बना लेता है, तो उस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप बैक आ सकते हैं। और दूसरी बात याद रहे, आप कोई भी वायरस रिमूव करने वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, क्योंकि कई एप्लीकेशन वायरस खुद ही बनाते हैं और उसे बाद में इरेज करते हैं। क्योंकि फ़ोन के पास अपना खुद का एक एंटीवायरस होता है जो कि बाहर शो नहीं होता है, पर वो अपने अंदर ही अंदर काम करता रहता है और आपके फ़ोन में से वायरस हटाता रहता है। तो गाइस, शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।